नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में आज का अपना टॉपिक है गुलाम वंश के शासक। अपना अध्याय 2 चल रहा था संघर्षकालीन भारत, जिसमें हम विभिन्न जो वंशों के शासक हैं उनसे परिचित हुए थे। अब हम उन शासकों के बारे में विस्तार पूर्वक, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। तो आज अपने पढ़ेंगे गुलाम वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। तो इसमें गुलाम वंश का जो प्रमुख शासक था, उसमें जो सबसे पहला नाम है, पहला शासक था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश का पहला शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे कब बैठा? 1206 ईस्वी में, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने यलदोज का दमन किया। यलदोज नाम का जो शासक था, उसका दमन किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसकी राजधानी लाहौर थी। इसके समय में जो दिल्ली की राजधानी थी वो कहाँ स्थित थी? इसने लाहौर बना रखी थी, जो वर्तमान में क्या है? पाकिस्तान में है। वह अपनी दानशीलता के कारण लाख बख्श दानी था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। यानी इसकी दान वीरता के कारण ये इतना प्रचलित था अपने राज्य के अंदर, इसको लाख बख्श कहा जाता था। वह साहित्य तथा कला का संरक्षक था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन क्या है? साहित्य कला प्रेमी भी था, संरक्षक था। उसने हसन निजामी को दरबार में संरक्षण, इसके दरबार में कौन रहा करता था? हसन निजामी। कौन रहा करता था? हसन निजामी हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहा करता था। उसने अजमेर में ढाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। अजमेर में ढाई दिन का झोंपड़ा, जो अजमेर में बना हुआ है वो किसने बनवाया था? ढाई दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ढाई दिन का झोंपड़ा। उसने कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण भी करवाया था। और क्या उपलब्धि थी इसकी? कुतुब मीनार की पहली मंजिल निर्मित करवाई थी और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 ईस्वी में ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा था। यलदोज का दमन किया था, यलदोज नाम का शासक, उसको हराया था इसने। इसने अपने राज्य काल में राजधानी लाहौर रखा था, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। हसन निजामी इसका दरबारी कवि था, साहित्य और कला का ये प्रेमी था। ढाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में जो स्थित है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और कुतुब मीनार की पहली मंजिल भी इसने निर्मित करवाई थी। ये दानवीरता के कारण ये बहुत ही प्रचलित था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। तो ये पहला शासक था गुलाम वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जो शासक था गुलाम वंश का, उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था बच्चों? इल्तुतमिश। दूसरा जो शासक था वो था इल्तुतमिश। आज अपने पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में, जो कि गुलाम वंश का दूसरा शासक था। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था, ठीक है। ये कौन था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका दामाद, क्या था? दामाद था एम उत्तराधिकारी। उसके बाद में ये शासक बना 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश, ठीक है। उसने इसके बाद में जो राज्य था उसकी बागडोर संभाली।
1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठा उसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठन करता, यानी मुसलमानों का, ठीक है, संगठन करता, मुसलमानों को इसने संगठित किया था, ठीक है, मुस्लिम संगठन करता भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों में एकता स्थापित करने वाला कौन सा शासक था? इल्तुतमिश। उसने रणथंभौर तथा भिलसा पर विजय, ठीक है, इसकी दो उपलब्धियां थी, एक तो इसने क्या है रणथंभौर पर विजय हासिल की थी, रणथंभौर को जीता था, और दूसरा एक भिलसा, ठीक है, ये दो विजय थी इसकी प्रमुख उपलब्धियां थी, रणथंभौर को इसने जीता था और भिलसा को भी इसने जीता था। मंगोलों के संभावित आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को नष्ट होने से बचाए, उस समय क्या है मंगोल थे, ठीक है, वो दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण करते थे और इसने मंगोलों से क्या है दिल्ली को बचाया था। उसने 40 गुलामों के दल का गठन, 40 गुलामों के दल का गठन करने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। इसके बाद में गुलाम अस का नेक्स्ट जो शासक था, नेक्स्ट जो शासिका रजिया सुल्तान, कौन थी? रजिया सुल्तान। आप पढ़ते हैं अपने रजिया सुल्तान के बारे में। 1236 में इल्तुतमिश की ये पुत्री थी, क्या थी? इसकी पुत्री थी ये रजिया, ठीक है, इल्तुतमिश थी, इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। 1236 ईस्वी में इसने, ठीक है, राज्य की बागडोर संभाली, गद्दी पे बैठी 1236 ईस्वी में, कौन? रजिया सुल्तान। अनेक तुर्की सरदारों ने रजिया का विरोध किया, जो तुर्की सरदार थे वो रजिया को नहीं चाहते थे, और परंतु प्रारंभ में उसने विद्रोही सरदारों का दमन कर दिया, वह पुरुषों के समान कोट व टोपी पहनकर शासन करने लगी। उसने जलालुद्दीन याकूत को अमीरे आखुर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया था। सर हिंद के शासक के विरुद्ध अभियान में याकूत मारा गया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, ठीक है, किससे विवाह किया इसने? अल्तुनिया, अल्तुनिया से विवाह कर लिया, और परंतु 1240 ईस्वी में रजिया तथा अल्तुनिया का वध कर दिया गया, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी थे, इनका 1240 ईस्वी में क्या है वध कर दिया, क्योंकि रजिया को क्या है मुस्लिम जो संगठन करता थे, ठीक है, वो शासिका के रूप में देखना नहीं चाहते थे, विरोध कर रहे थे इस बात का, जो तुर्की सरदार थे, ठीक है, तो इसके पति जो अल्तुनिया था और रजिया थी, दोनों की हत्या कर दी गई, वध कर दिया गया 1240 ईस्वी में। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रमुख शासक था गुलाम वंश के अंदर वो था बलबन, कौन था? बलबन। इसके बाद में बलबन है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। चौथा जो शासक था वो था बलबन। रजिया के बाद बहराम शाह, मशहूर शाह, नासिर दीन महमूद सुल्तान बने, यानी जब रजिया थी, रजिया के बाद में उत्तराधिकारी रहे बहराम शाह, मशहूर शाह, नासिरुद्दीन महमूद, ये शासक बने, और इसके बाद में क्या है बलबन है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, परंतु ये सभी अयोग्य शासक थे। 1265 में बलबन, यानी ये दिल्ली का शासक कब बना? 1265 ईस्वी में, ठीक है, ये सभी जो शासक थे रजिया के बाद में ये अयोग्य शासक थे, ठीक है, ये राज्य को सही ढंग से, उचित ढंग से नहीं चला पाए थे। इसके बाद में 1265 में बलबन है जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा, दिल्ली सल्तनत पे बलबन, 1265 में बलबन के हाथों में दिल्ली सल्तनत की बागडोर आ गई। उसने 40 गुलामों के दल को नष्ट कर दिया, जो पीछे 40 गुलामों के दल का निर्माण किया था उसको नष्ट किया। उसने मंगोलों के आक्रमणों का सामना करने के लिए दीवाने आरिज को, ठीक है, उसने एक संगठन बनाया था दीवाने आरिज, ठीक है, जो कि मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की सुरक्षा करता था, आक्रमण से सुरक्षा हेतु, ठीक है, उसने क्या बना दी? दीवाने आरिज बना दी। उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा, सिजदा या पाबोस,
की प्रथा लागू की थी। इसमें ठीक है जो पर्दा है वो राजा के पैरों को चूमकर ठीक है उसको सलाम करती थी, तो वो पाबोश की प्रथा शुरू की सर झुकाने की। उसने प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाया, उसने अपने शत्रुओं और विद्रोहियों के दमन के लिए लोह और रक्त की नीति, इसके बाद में लोह और रक्त की नीति, रक्त की नीति अपनाने वाला कौन था? बलबन था। ठीक है, तो इस प्रकार ये गुलाम वंश के प्रमुख शासकों के बारे में अपने पढ़ा। तो चार जो शासक थे गुलाम वंश के, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान बलबन, ठीक है, इनके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।